हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का यह वीडियो क्लास फोर के बच्चों के लिए है मैथ से। आज हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 5A, इसके पहले भी हम लोग एक्सरसाइज 5A पढ़े हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों मैंने डिवाइड के बारे में बताया था, कुछ डिवाइड बनाकर सिखाए थे। आज जो है डिवाइड ही बनाना है, लेकिन उसे चेक भी करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि डिवाइड टू फाइंड द कोटिएंट एंड द रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर आंसर यूजिंग द रिलेशन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले जो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए में 428 डिवाइड 3, तो पहले हम लोग डिवाइड बनाएंगे, उसके बाद इस जो ये जो रिलेशन है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इस पर इसको हम लोग सेट करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत बना है या सही इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं हम लोग बना करके क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में बच्चों यहाँ पर बनाया गया है, ये है 428 डिवाइड 39। इसमें जो है हमारा डिवाइजर 13 है, डिविडेंड क्या है बच्चों, तो डिविडेंड ये वाला बीच वाला होता है, ये 428 है। यहाँ पर जो बनता है हमारा, इसको हम लोग कोटिएंट बोलते हैं, और ये नीचे रिमाइंडर होता है। तो ये डिवाइड सबसे पहले मैंने बनाया 428 डिवाइड 3, देखिए यहाँ पर 13, तो 13 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 13 3 जा क्या होता है 39, यहाँ 39 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 3 3 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 8 मैंने उतार दिया, इसके बाद 13 का टेबल 2 बार ले जाएंगे, 13 का 2 बार पढ़ेंगे टेबल, कितना जाएगा 26, इसको माइनस करेंगे तो नीचे हमारा बच गया 12, तो ये हमारा क्या हुआ रिमाइंडर हुआ। तो इस तरह से मैंने बताया है कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोटिएंट है, और ये रिमाइंडर है। तो अब इसको हम लोग कैसे जो है रिलेशन में बनाएंगे, इसको कैसे देखेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला जो दिया गया है हमारे बुक में, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, यहाँ देख लीजिए डिविडेंड कौन सा है 428, जब 428 हो गया डिविडेंड, डिवाइजर क्या है, तो देखो डिवाइजर के जगह पर ये है 13, कोटिएंट क्या है 32, यहाँ पर 13 × 32 और प्लस 12 क्या है रिमाइंडर, यहाँ देख सकते हो 12 रिमाइंडर है। इस तरह से मैंने ये बना लिया, और ये 13 में 32 से मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को, तो ये हमारा 416 आ जाएगा, और प्लस 12, इसको जब प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 428। इस तरह से ये दोनों साइड जो है हमारा इक्वल हो गया, मैंने लिख दिया विच इज ट्रू, हैंस द आंसर इज करेक्ट, इसलिए हमारा जो आंसर है करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सही बनाइएगा। 159 डिवाइड 12, देखिए ये 159 डिवाइड 12, 12 से पहले 1 बार में गया ये 12, ये बच गया 3, ये 9 उतार दिए, 12 3 जाए 36, ये घटा दिए तो कितना जाएगा 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3। अब जो है क्या करना है, यहाँ पर ये अपना लिख लेना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोटिएंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ देख लो डिवाइजर के जगह पर क्या है, डिवाइजर के जगह पर 12 है, कोटिएंट के जगह पर क्या है 13 है, तो 12 × 13 प्लस रिमाइंडर, वेयर इज रिमाइंडर, तो यहाँ पर है ये 3, तो 3 जो है यहाँ पर ऐड कर दिए। अब ये 12 में 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 156 प्लस 3, इसको ऐड कर देना है 159, तो 159 जो है डिविडेंड है, देखिए यहाँ पर डिविडेंड क्या है बच्चों 159 है। अब क्या करना है कि ये हमारा दोनों जो है साइड
इक्वल हो गया, डिविडेंड के बराबर ये हमारा ये आ गया, तो विच इज ट्रू, जो कि सत्य है, हैंस द आंसर इज करेक्ट। इसलिए हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि जो डिवाइड जो हमारा बना हुआ है सही बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसको जो है होमवर्क में इसमें का बनाइएगा, सेम इसी तरह से बनाना है सबको। पीडीएफ भी भेजा गया है, वैसे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख करके आप लोग बना सकते हैं, इसमें से ये सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। धन्यवाद।